सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। परम सन्मानियो गुरुरु गुरु खालसा साह संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। विशाल कलयुग का समा विचर रहा सी, जिथे किथे लोग माड़े काम कर रहे सन, अनेक प्रकार दे भैड़े मत फैले हुए सन, कोई भी सुखाले सतनाम का सिमरन नहीं सी करदा। किन्ने मजहब गिणीए जड़े जगत विच बन गए सन, थोड़ी जही सिद्धि प्राप्त करके नवा पंथ चला लेंदे सन, वाहेगुरु नू पहचानदे नहीं सन ते होर विधियां अनुसार उपदेश देंदे सन। पहले जुगां विच तप ते यज्ञ करदे सन, कई प्रकार दे साधन करके ब्रह्म ज्ञानी हो जांदे सन, पर कलयुग विच मनुख शक्तिहीन हो गए हन, ओ हुण तप नहीं कर सकदे, फिर ओह किस प्रकार मुक्ति प्राप्त करन। फिर करता पुरख वाहेगुरु ने विचार कीती, ओह जान गए कि कलयुग विच मनुख बहुत दुखी हो गए हन, सतनाम सिमरन नाल ही सुख प्राप्त हो सकता है, इस बगैर होर कोई उपाय नहीं है। मैं जगत विच जाके लोगों नू चंगा उपदेश देंगा, जेड़े लोग पुठे राह पए हन उन्हां नू सीधे राह चलावांगा, मेरे बगैर ये काम हो नहीं सकना है, इसलिए मनुखी तन धारण करके जगत विच जांदा हाँ। इसलिए प्रभु जी ने मैं तां कालू जी दे घर आके अवतार धार लिया, माता तृप्ता जी वेख के बहुत प्रसन्न होए, छोटी उम्र विच सुंदर रूप सी, जिथे किथे उपदेश देंदे सन। सतनाम दा सिमरन करो ते हौली हौली अहंकार नू छड़ दिओ, जिस तरह परमेश्वर दा पाणा है उस अनुसार ही प्रसन्न रहो। इस प्रकार उपदेश दे के उन्हां ने अनेकां मनुखां दे कलेश कट दिते। भाई मूलचंद जी दी सपुत्री वड्डे भागां वाली सी, ओह श्रेष्ठ सुहागवती धन श्री गुरु नानक देव जी दे महल बने, उन्होंने बहुत धीरजवान सपुत्रां नू जन्म दिता, ओह ब्रह्म ज्ञान विच स्थिर गंभीर सन। वड्डे सपुत्र दा नाम श्री चंद जी सी, उन्होंने गृहस्थी का मार्ग अंगीकार ना किया, उन्हां दी बिरती सदा सुंदर जोग विच लीन रहिंदी सी, सदा ही एक रस रहण विच उन्हां दा पक्का आशा सी, उन्हां नू किसे भी विकार ने नहीं छुया सी, ओह भीष्म वांग जति पुरश सन। इस तरह बाबा लक्ष्मी दास जी उन्हां दे छोटे भरा सी, जिन्हां ने गृहस्थ मार्ग नू धारण किया सी, ज्ञान विच दोवें भरा बराबर सन। श्री गुरु नानक देव जी दे दोवें सपुत्र बहुत चतुर सन। कुछ समा पा के श्री धर्मचंद जी, जो कि श्री गुरु नानक देव जी दे पोते सन, जिन्हां तो वंश अगे वध्या, एक दिन बाबा लक्ष्मी चंद जी शिकार खेड के आए, खरगोश मार के घोड़े दे दोई पासे लटकाए हुए सन। जद बाबा श्री चंद जी ने अपने भरा नूं वेख्या तां किरपा विच आ के एक वाक दा उचारण किया, दिन रात अनेक जीव मारदे हो, यह लेखा तैनू देना पवेगा। बाबा लक्ष्मी चंद जी ने भरा दी कही हुई गल नूं बर्दाश्त ना किया, घर विच जा के चलण दी तैयारी कर ली, अपने सुपत्नी अते सपुत्र नूं नाल लै के झट घोड़े उत्ते चढ़ गए। जद बाबा श्री चंद जी आए तां उन्हां नूं सुना के कहा, लेखा देण मैं हुणे चलिया हाँ। यह सुन के बाबा श्री चंद जी ने हिरदे विच विचारिया ते बाबा लक्ष्मी चंद जी दे सपुत्र बाबा धर्मचंद जी नूं फड़ के घोड़े तों थले उतार लिया। बाबा श्री चंद जी ने कहा, मैं तां गृहस्थ आश्रम धारण नहीं करना है, धर्मचंद नाल साडा वंश स्थिर रहेगा, भाव अगे चलता रहेगा। बाबा लक्ष्मी चंद अपने सपुतनी नूं नाल लै के चले गए अते फिर ना आए। सारे लोग उन्हां दा इह करतब वेख के बहुत हैरान होए। बाबा धर्मचंद जी नाल अगे फिर
श्री गुरु नानक देव जी का वंश चलिया। सारे बेदी हंसा वांग उज्जल हैं। बाबा श्री चंद जी ने बहुत लंबी उम्र भोगी अते जगत विच बहुत लंबे समय तक देह धारण कर रखी। सदा ही जोग रस भोगते सन अते जगत दियां वासनावां विच मन नहीं सन लाउंदे। जद जहांगीर तुरकां दा बादशाह सी, उसने जद बाबा जी का श्रेष्ठ जस सुनिया, कई बारी मनुखां नूं भेज के अते बेनती करके बाबा जी नूं अपने पास बुलाया। ओह बाबा जी पासों कौतक वेखणे चाहुंदा सी, जिस बाबा जी दे हिरदे विच बहुत कौतक सन। भाई गोदड़िया नामी सेवक उहनां दे पास रहिंदा सी। बाबा जी ने जद किते जाणा हुंदा सी तां उस दे मोढ़िआं उत्ते ही चढ़ के जांदे सन, नहीं तां अपने निजी स्थान ते ही बैठे रहिंदे सन। सदा प्रभु विच ध्यान लाई रखदे सन। भाई गोदड़िया दे मोढ़े चढ़ के लाहौर वल चल पए। हौली हौली लाहौर पहुँच गए। एक दिन उत्थे डेरा टिकाया। फिर जहांगीर बादशाह ने उन्होंने अपने पास बुलाया। भाई गोदड़िया ते असवार हो के बाबा श्री चंद जी, जिन्हों का आशा बड़ा दृढ़ सी, बादशाह पास पहुँचे। नेड़े पहुँचे तो जद बादशाह ने सामने वेख्या तो शिवजी वर्गा शरीर दिखाई दिता। मोढ़ियां तो गोदड़ी ला के अजिही थां रख दिती जिथे वह बादशाह नूं चंगी तरह दिखाई दिंदी सी। उस समय उन्हां दी उम्र बहुत बिरध हो गई सी। बादशाह ने बड़े अदब नाल उन्हां नूं बिठाया, आपस विच बचन बिलास कीता। बाबा जी उस नूं ढुकवां उत्तर दिंदे सन। फिर बादशाह ने गोदड़ी वल वेख्या जिहड़ी पई पई बहुत कंब रही सी, कदी इधर उधर चलती सी, कदी उच्ची उठ के फिर धरती ते डिग पैंदी सी, कदी इकट्ठी हो जाती सी ते कदे फैल जाती सी, कदी उच्ची उठ के अंगड़ाई लेंदी सी अते कदी इंज जापदा सी जिवें उबासियां लै रही होवे। गोदड़ी नूं कंबदी देख के जहांगीर बादशाह बहुत हैरान होया। बाबा जी पासों पुछण वास्ते बोलिया, तुसीं गोदड़ी दे हेठां की रख आए हो जड़ा व्याकुल हो के इधर उधर हो के दुखी हो रहा है? यह सुन के श्री गुरु नानक देव जी दे सपुत्र ने कहा, दरवेशां दे ख्याल उच्चे हुंदे हन, इन्हां दा अंत लैणा चंगा नहीं है। इन्हां दी जिन्नी सेवा हो सके उन्नी चंगी है। कोई किस तरह करदा है अते किस तरह हुंदा है, यह सदा खुदा दे सामने हुंदा है। जहांगीर ने फिर कहा, कृपा निधान मैनू इस गोदड़ी हेठली वस्तु नूं वखाओ। मेरे मन विच अश्चर्ज गल वरत रही है, जदा मैं इस कंबदी होई गोदड़ी नूं वेख रहा हाँ, होर तां कोई जाणिया नहीं जा सकदा इस विच कीड़ी ऐसी वस्तु है जिहड़ी बहुत दुख पा रही है। बाबा श्री चंद जी ने फिर गोदड़ी विचली वस्तु नूं बुलाया, हे गोदड़ी विच टिकाए गए बाहर आओ, बादशाह जहांगीर नूं अपने आप नूं प्रताप सहित वखाओ। गोदड़ी विच भारी मलेरिया ताप बंद किया होया सी। श्री गुरु सपुत्र ने जद उस नूं बुलाया तां ओह भारी बुखार जहांगीर नूं चढ़ गया। जहांगीर दा उस वेले मूँह सुक गया ते कांबा बहुत वध गया। शरीर दे लूह कंडे खड़े हो गए, अखां लाल हो गईयां, हड्ड पैर टुटण लगे ते सिर विच पीड़ होण लगी। हालत इन्नी माड़ी हो गई जिवें हुणे ही मौत हो जाएगी। जहांगीर हाथ जोड़ के कहण लगा, इस नूं मैनू ना विखाओ, मेरे इस वड्डे दुख नूं शीघर दूर करो, नहीं तां मेरे प्राण निकल जाणगे। तुसीं हर रीति अनुसार बहुत वड्डे समर्थ हो। जहांगीर दी बेनती सुण के बाबा श्री चंद जी ने बचन कीते, हे ताप हट के गोदड़ी दे अंदर दाखल हो जाओ। ये कहण नाल बुखार तुरंत उतर गया ते गोदड़ी फिर हिलण लग गई। बाबा जी ने जहांगीर नूं फिर कहा, ये बुखार साढ़े शरीर नाल आया सी, ताप चढ़े असी चल के आए सी, पर तुहाडे नाल गलबात करन खातर इस नूं गोदड़ी विच बंद किया होया सी। ताप चढ़न करके कहना सुनना चंगी तरह नहीं हो सकता, तन नूं साड़ा हुंदा है। असी हुण बाहर जाके इस नूं फिर संभाल लवांगे। ये सुन के बादशाह बहुत हैरान होया। बाबा जी नूं रुखसत करन वास्ते बहुत भेटावां मंगवाईयां।
पर गुरु सपुत्र जी ने भेटावां ना लईयां ते इत्थे ही छड़ दित्तियां। गोदड़ी लै के सेवक दे मोढ़ियां ते चढ़ गए ते तुरक बादशाह दे सारे शंके दूर किते। फिर जाके अपने थां विराज गए। बाबा श्री चंद जी जिहड़े जोग रस विच रते होए हन, छेवीं पातशाही तक इस जगत विच रहे, उन्होंने बहुत वड्डी उम्र भोगी। श्री गुरु हरगोबिंद साहब दे जिहड़े वड्डे सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी सन, उन्हां अगे जा के सीस निवा दिता, बेनती करके बहुत प्रेम वधाया, अपने सिर तों लम्मी सेली टोपी उतार के बाबा गुरदित्ता जी दे सिर ते धर दित्ती, उन्हां नूं अपनी गद्दी ते थाप दिता ते उन्हां दा वड्डा प्रताप वधा दिता। श्री बाबा गुरदित्ता जी फिर सब ढंग नाल वड्डे हो गए। इन्हां दे अगे चार सिख होए जिन्हां ने बैठ के भारी तप किया। इन्हां चार सिखां दे नाम सन बालू हसना, भाई फूल जी, भाई गौंदा जी ते भाई अलमस्त जी। बाद विच ये सारे उदासी पंथ दे मुखिए बने। इन्हां तों उदासी पंथ प्रगट होया जिन्हां दे अगे लखां चेले होए, जिन्हां ने बहुत तप किते। श्री गुरु नानक देव जी दे इस तरह दे दो सपुत्र होए हन। कवि भाई संतोख सिंह जी उन्हां नूं वंदना करदे हन। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शनी जी, दास नूं आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।